नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं रेडमी 11 प्राइम, जिसमें डिस्प्ले ब्लैंक की प्रॉब्लम है। डिवाइस पूरी तरह से ऑन है, चार्ज भी हो रहा है और प्रॉपर जो इसकी चार्जिंग की रीडिंग है वो भी प्रॉपर आ रही है। जैसा कि मीटर में आप देख पा रहे हो 1.984 एम्पीयर की इसमें रीडिंग आ रही है, मतलब डिवाइस ऑन है। कॉल भी आ रहा है इस पर, अलार्म वगैरह सब वर्किंग है, बस डिस्प्ले ब्लैंक है। तो चलिए चेंज करते हैं इसका डिस्प्ले और देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हुई है या नहीं। तो इसमें सबसे पहले डिस्प्ले चेंज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्ले है इस पर ब्लैंक। और इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो आती है गिरने से आती है या फिर दबने से आती है। डिवाइस अगर दब जाएगा तो जो इसका डिस्प्ले है अंदर से ब्रेक हो जाता है, या फिर गिर जाए तो भी डिस्प्ले इसका डैमेज हो सकता है। तो इसको सबसे पहले इसको करेंगे ओपन, इंजीनियर के द्वारा प्रॉपर इसको है जो कि ओपन किया जा रहा है। ओपन करने के बाद इसका जो फिंगरप्रिंट है वो भी निकाल दिया है। इसका जो मदरबोर्ड है ना, मदरबोर्ड हल्का सा दबा हुआ है। जो इसका बैक पैनल, एक्चुअली बैक पैनल तो डैमेज नहीं है, लेकिन इसका मदरबोर्ड हल्का सा दबा है। इसके बाद है जो कि यहाँ से न्यू डिस्प्ले ओपन कर लिया। न्यू डिस्प्ले लगाकर सबसे पहले डिस्प्ले को चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले इस पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। न्यू आ रहा तो डिस्प्ले प्रॉपर वर्किंग है। इस तरीके से जो न्यू डिस्प्ले है ओरिजिनल MI का, इस तरीके से उसको लगा के देखा है कि एक्चुअली डिस्प्ले आ रही है नहीं आ रही। और अगर ये आप डिस्प्ले अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगी। आप जो कि कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और इसका जो रेट है वो जान सकते हैं। मैं बिल्कुल आपका जो कि कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो डिस्प्ले चेक कर लिया, प्रॉपर वर्किंग है दूसरा वाला। इसके बाद इसका जो बैटरी उसको निकाल दिया और नीचे साइड से इसका स्पीकर सब PCB उसको भी निकाल देंगे। उसके बाद लगाएंगे इसमें न्यू डिस्प्ले। उसके बाद है जो कि प्रॉपर वर्क रहे, क्योंकि इसको कर लिया है, चेक कर लिया गया है। अब है जो कि इसको यहाँ से ओपन करेंगे, इसका जो कि RF केबल निकाल दिया है और सब बोर्ड भी इसका नीचे साइड से निकाल दिया है। इसका मदरबोर्ड भी निकाल लेंगे। अभी एक्चुअली जो मैंने वीडियो डाला था हिंज का, आज से कम 10 महीना पहले हिंज का, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। काफ़ी लोगों ने इसको ऑर्डर भी किए। अभी तक 160+ ऑर्डर है जो कि मैं डिस्पैच कर चुका हूँ ऑल ओवर इंडिया, और अदर कंट्री में भी 2 ऑर्डर डिस्पैच कर चुका हूँ। एक्चुअली जो इन्फिनिक्स का लैपटॉप आया था उसमें हिंज की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, जो कि कहीं आपको अवेलेबल नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मैंने उसका ही प्रॉपर वीडियो बनाया है। और अगर आपको MI की ओरिजिनल USB केबल चाहिए, टर्बो वाली जिसमें सेकंड पॉइंट चलते हैं चार्जिंग लगाने पे, तो वो भी मिल जाएगा। वो वीडियो भी इस पर डली हुई है यूट्यूब चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। और देन अगर आपको आपको MI का कोई भी पार्ट अगर रिक्वायर्ड है तो आप बिल्कुल ऑर्डर लगा के मंगवा सकते हैं। और जो कि प्रीपेड ऑर्डर रहेगा उस पर अब मैं आपको जो कि व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो कि डिटेल ले सकते हैं। इस तरीके से देखिए न्यू डिस्प्ले लगा दिया गया है। न्यू डिस्प्ले लगाने के बाद इसको प्रॉपर यहाँ से पैक कर देंगे स्क्रू के साथ में, और इसके बाद इसको बैटरी लगा के और कम्प्लीटली इसको ऑन करके चेक कर लेंगे। इस तरीके से है जो कि यहाँ पर जो इसका डिस्प्ले है, मतलब अगर देखा जाए तो सिमिलर जो रेडमी 12C आता है सेम वैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा जो इसका पत्ता है मेन वाला डिस्प्ले का वो थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पे ग्लू भी लगा दी। इसके बाद इसमें जो कि बैटरी लगा के प्रॉपर और RF केबल लगा के इसको कम्प्लीटली पैक करेंगे। पैक करने के बाद इसको प्रॉपर चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ से जो फिंगर भी दिया हुआ है इस पर, फिंगर को यहाँ से लगा के, और इसका PCB कवर है उसको भी लगा देंगे प्रॉपर। और अगर आपको इसकी रिक्वायर्ड है तो बिल्कुल आप ऑर्डर लगा सकते हैं, आपको आसानी से जो कि अवेलेबल हो जाएगा। जो डिलीवरी में जो टाइम वो अप्रोक्सीमेट 4 से 5 दिन में डिलीवर हो जाएगा। और अगर आप चैनल बनाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी अगर आपका क्वेश्चन क्वेरी है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगा जरूर। तो इसको प्रॉपर पैक किया जा रहा है। एक्चुअली जो मोबाइल है रेडमी 11 प्राइम, जो एक्चुअली कस्टमर का कहना था कि जो मोबाइल है वो दब गया था, जिसकी वजह से इसकी जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले एक्चुअली पूरी ब्लैंक हो चुकी थी। डिस्प्ले में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, टच प्रॉपर काम कर रही थी इसमें। और इसके बाद जो कि कस्टमर चेंज कराने के लिए रेडी है। और उसके बाद है जो कि इसमें डिस्प्ले चेंज करने के बाद अभी एक्चुअली कुछ स्क्रू मिसिंग हो गए हैं, इसलिए जो स्क्रू को
दूसरे स्क्रू लगाएंगे इसमें, अभी देख रहे हैं, क्योंकि स्क्रू बहुत छोटी चीज़ रही थी जो कि मिसिंग हो जाते हैं, तो इसमें प्रॉपर स्क्रू लगाएंगे। और एक्चुअली अभी थोड़ा दूसरा मोबाइल आ गया था तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया है। प्रॉपर इसको पैक करेंगे, पैक करने के बाद इसको चेक करेंगे, चेक होने के बाद कस्टमर को जो कि डिलीवर कर देंगे। और इसका जो डिस्प्ले का जो प्राइस है, अभी लेटेस्ट जो प्राइस है वो आ रहा है 3,500 रुपये का कंप्लीट डिस्प्ले है अभी लेटेस्ट प्राइस, और जो प्राइस है वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो कितना चल रहा है, वो मैं बिल्कुल आपको बता दूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको MI Redmi का अगर कोई डिस्प्ले चेंज या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्यूशन उसका लेके आऊँ, कुछ भी प्रॉब्लम, चार्जिंग, स्पीकर, रिसीवर, माइक, एवरीथिंग Redmi मोबाइल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपके पास जो मोबाइल है अगर उसका आपको वीडियो चाहिए उस सेम मॉडल का तो बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर वीडियो सही लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके और जो भी आपको क्यों कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।